एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक स्टाइल्स एंड आई एम निकिता। सो आज का जो मेकअप लुक है वो अनदर ग्लैम पार्टी मेकअप लुक है, जिसमें मैंने ये लुक अचीव किया है विद ब्लैक साड़ी एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। और आज के मेकअप लुक में मैंने सबसे इजी स्मोकी आई मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए शेयर किया है और आई होप कि आप लोगों को ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गुड वाइब्स के टोनर से। जो रोजिप का टोनर है ये आपके स्किन को टाइट करेगा और पोर्स को ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का सीरम, जो ऑर्गन सीरम है। सीरम आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, ग्लो प्रोवाइड करेगा और आपका जो बेस है वो सीरम की वजह से स्मूथली अप्लाई होगा। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी निविया का लिप बाम, जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। ये प्राइमर का भी काम करता है और लिक्विड हाइलाइटर काइंड ऑफ इसका ग्लो आता है आपको। तो ग्लो के लिए मुझे चाहिए शिमरी हाइलाइटर। तो इसमें कुछ शिमरी पार्टिकल्स है जो मेरे फेस को ग्लो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी डैप डैप करते हुए, ताकि मेरा जो बेस है वो फ्लॉलेस लगे। एंड गाइस, ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके मेकअप में। मैं मेरे हर एक ट्यूटोरियल में आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आप जितना ब्लेंड करोगे उतना फ्लॉलेस बेस आप अचीव कर पाओगे। तो अच्छे से आपको ब्लेंड करते जाना है और ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो बहुत वेट भी नहीं चाहिए, मतलब उसमें जो भी वाटर होगा वो आपको पूरा निकालना होगा, जो भी एक्सेस वाटर है वो आपको पूरा रिमूव करना पड़ेगा एंड देन आपका फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है मेबलिन का कॉम्पैक्ट, जो मेरा फर्स्ट परचेस है कॉम्पैक्ट का मेबलिन से। तो उसी के हेल्प से मैंने बेस को सेट कर लिया है एंड देन मैं मेरे आईज़ पे जाऊंगी। अब मैं करूंगी मेरा आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैंने यूज़ किया है मेकअप रिवोल्यूशन का पैलेट, जिससे आप स्मोकी आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे स्मोकी लुक्स आप इस पैलेट को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। तो एज अ ट्रांजिशन शेड मैंने थोड़ा ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड चूज़ किया है, ताकि मुझे ब्राउन अंडरटोन काइंड ऑफ स्मोकी आई लुक चाहिए। तो इसलिए तो मेरा जो स्मोकी आई मेकअप का बेस होगा वो ब्राउन कलर में होगा और नेक्स्ट मैं ग्रेइश काइंड ऑफ जो शेड है वो अच्छे से मेरे पूरे आईलिड पे प्लेस करूँगी। क्रीज में ब्लेंड करते हुए प्लेस करना है, ताकि अच्छे से मेरा जो ट्रांजिशन शेड है वो आए। एंड देन आपको ब्लैक कलर जो है वो सिर्फ आपको आपके आईलिड पे प्लेस करना है, वो भी फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से ही आपको आपका ब्लैक कलर जो है वो अप्लाई करना है और उसे ब्लेंड नहीं करना है। टैप टैप करते हुए आपको प्लेस करते जाना है पूरी आईलिड पे एंड देन आप उसे स्प्रेड कर सकते हो। ब्लेंड आप बाद में करिए, क्योंकि अच्छे से ब्लैक का जो कवरेज है वो आपकी आईलिड पे आ जाए। तो सबसे पहले मैं फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगा लूँगी, मुझे जितने अमाउंट में चाहिए उतने अमाउंट में लगा लूँगी एंड देन ब्लेंड करती जाऊँगी अच्छे से। तो ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है आपके आईज़ में। एंड नेक्स्ट मैं मेरे वाटर लाइन के नीचे अच्छे से उस कलर को बैलेंस, मेरे आई मेकअप को बैलेंस करने के लिए और ब्लैक कलर को बैलेंस करने के लिए लगा लूँगी, ताकि ये स्मोकी आई लुक है तो आपको स्मोक करना है, मतलब आपको जितना ब्लेंड करते जाना है आपका ब्लैक कलर। तो अच्छे से मैंने स्मोक आउट किया है एंड देन मैं आऊँगी मेरे आईब्रोज़ पे। तो आईब्रोज़ को ग्रूम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ही टाइम लेती हूँ मेरे आईब्रोज़ को सेट करने की। वैसे तो मुझे मेरे ब्राउज़ को फिल करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ब्राउज जो है वो बहुत ही डार्क है, लेकिन उनको शार्प दिखाने के लिए मैं फ़िल करती हूँ। एंड नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है वाइट काजल, जो अगेन आपकी आईज़ को बिग दिखाने में हेल्प करेगा। और स्मोकी आई मेकअप अगर आप करते हो और आप अगर ब्लैक काजल यूज़ करते हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने वाइट काजल यूज़ किया है, क्योंकि वाइट काजल एक अलग ही लुक प्रोवाइड करता है आपकी आईज़ में। एंड नेक्स्ट में अगेन जो भी मेरा स्मोकी आई मेकअप लुक का ब्लेंडिंग का फॉल आउट होता है, जो अंडर आईज़ पे गिरता है, तो उसे हाइड करने के लिए और मेरे जो अंडर आईज़ है उन्हें हाईलाइट करने के लिए कंसीलर यूज़ किया है। और मैंने यूज़ किया है मेबलिन का कंसीलर। ट्रस्ट मी गाइज, ये जो कंसीलर है ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता है आपकी आईज़ में। तो इसीलिए मैंने मेरे अंडर आई को हाईलाइट करने के लिए मेबलिन का कंसीलर लिया है। देन मैं मेरे ब्रिज ऑफ द नोज़ को हाईलाइट करूँगी, क्यूपिड्स बो को करूँगी एंड देन मैं मेरे चिन पे एंड देन मेरे हेड पे फोरहेड पे अप्लाई करूँगी अच्छे से। आपको आपके ब्लेमिशेस जो भी है उनको हाइड कर देना है, अगर नहीं है तो आप सिर्फ आपके हाईलाइटेड पॉइंट जो है
उन पे ही अप्लाई करें एंड देन अच्छे से बहुत केयरफुली आपको ब्लेंड करने हैं, क्योंकि वो आपका आई मेकअप भी ख़राब कर सकता है। वैसे तो स्मोकी आई मेकअप लुक में आपको आई मेकअप सबसे पहले डन करना होता है, लेकिन मेरी स्किन ड्राई होने की वजह से मेरा जो बेस है उसे सेट होने में 10 to 15 minutes ईजिली लग जाते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले बेस सेट कर लिया, देन मैंने स्मोकी आई मेकअप लुक क्रिएट किया एंड देन मैंने फॉलआउट को हाइड करने के लिए और मेरे अंडर आइज़ को हाईलाइट करने के लिए कंसीलर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मेरा जो आई मेकअप है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट में मैं फॉल्सीज अप्लाई करूँगी एंड देन मस्कारा अप्लाई करूँगी एंड देन फॉल्सीज का जो बैंड होता है उसे हाइड करने के लिए आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। वैसे तो स्मोकी आइज़ के लिए आईलाइनर ड्रॉ नहीं करते हैं, फिर भी मैं करूँगी बैंड को हाइड करने के लिए। नेक्स्ट मैंने शिवाना का पैलेट लेकर मेरे फेस के अकॉर्डिंग मैच करते हुए कॉन्टोरिंग शेड यूज़ किया है एंड उसी के हेल्प से मैं मेरे चीक्स को कॉन्टोर कर लूँगी, फॉरहेड को करूँगी, देन नोज़ को कॉन्टोर करूँगी। नोज़ को कॉन्टोर करने की वजह से आपका जो नोज़ है वो शार्प लगता है और लॉन्ग लगता है। अगर आपको फैटी नोज़ की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे सॉल्व हो जाती है, आपका नोज़ जो है वो बहुत ही शार्प लगने लगता है। तो अच्छे से मैंने मेरे चीक्स को कॉन्टोर कर लिया है, देन मैं जॉ लाइन पर अप्लाई करूँगी ताकि मेरी जॉ लाइन शार्प दिखे। जॉ लाइन पर आपको कॉन्टोरिंग करने का ये बेनिफिट है, उसकी हेल्प से आपकी जो जॉ लाइन है वो शार्प भी दिखती है और अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट मैंने नोज़ को कॉन्टोर कर लिया है। नेक्स्ट मैंने पीच काइंड ऑफ शेड लिया है क्योंकि मेरा लिपस्टिक का जो कलर है वो पीच कलर है, स्मोकी आइज़ के साथ न्यूड कलर पीच कलर बहुत अच्छे से जाता है, तो इसलिए मैं डार्क शेड, अगर आप स्मोकी आइज़ के हिसाब से लिप्स पे लगाओगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको लाइट शेड ही लेने हैं। तो मैंने मेरे चीक्स पे ऐड कर लिया है पीच कलर एंड देन मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। लिपस्टिक आपको आपके जो ब्लश का कलर है उसी से मैच करते हुए लगानी है, वो और भी अच्छा लगता है लुक। नेक्स्ट मैंने मेरा जो फेवरेट हाइलाइटर है शिवाना का वो अगेन टूट चुका है गाइज, मेरे जो भी हाइलाइटर वो सारे मैंने तोड़ दिए हैं, गिर जाते हैं जल्दी जल्दी में, इसलिए तो मैंने मेरे ब्रिज ऑफ द नोज़ को, चिन को, क्यूपिड्स बो पे, ब्राउ बोन पे, फोरहेड पे एंड एन चीक्स पे सारी जगह पे अप्लाई कर लिया है, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ पे एंड देन मैं सारे मेरे मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी मेरा ऑल टाइम फेवरेट फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर, जिसकी हेल्प से मेरा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और मेरे मेकअप को एक नेचुरल ग्लो भी आएगा और जो एक्सेस है वो मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देन मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया है फेसेस कैनेडा का, जो बहुत ही अच्छा है, आपको 700-800 में इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। अच्छे से मेरे मेकअप को सेट कर दिया है एंड देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से जो भी एक्सेस फॉल आउट है, जो मेकअप में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, वो सारा मैं इससे सेट कर लूँगी और ब्लेंडर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, जो अगेन न्यूड शेड में है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बोल्ड लुक है आइज़ का तो मुझे थोड़े लिप्स भी बोल्ड चाहिए, तो इसीलिए मेरे लिप्स को प्लम्प आउट करने के लिए मैंने यूज़ किया है लिप लाइनर। तो ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है, इससे मैं मेरे लिप्स को थोड़ा प्लम्प आउट कर लूँगी अच्छे से। मेरा ऊपर का जो लिप्स है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए मैंने उसे बिगर दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का जो पीच कलर का शेड है ऑरेंज अंडरटोन में उसे, क्योंकि वो मेरे ब्लश के साथ और मेरे इस स्मोकी आई मेकअप लुक के साथ बहुत परफेक्टली जाएगा। और यहाँ पे मेरा जो आउटफिट है वो फुल ब्लैक कलर में है, इसलिए मैंने पीच कलर यूज़ किया है। मैं चाहूँ तो ब्राउन अंडरटोन न्यूड शेड्स भी यूज़ कर सकती थी। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है लाइनर जो मेबलिन का है, इससे मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने जो फॉल्सेस लगाए हैं ऑफ कैमरा उसका जो बैंड होता है जो दिखता है विजिबल रहता है, तो उसे हाइड करने के लिए मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आपको स्मोकी आई मेकअप में आईलाइनर ड्रॉ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है मेबलिन का कर्लिंग मस्कारा, ये आपके आईलैशेस को बहुत अच्छी लेंथ प्रोवाइड करेगा, अगेन आपके आईलैशेस को कर्ल करेगा एंड देन यहाँ पे मेरा मेकअप लुक डन हो चुका है। एंड देन ज्वेलरी वेयर कर ली है मैंने, आउटफिट वेयर कर लिया है फुल ब्लैक कलर में एंड देन यहाँ पे ये है मेरा फाइनल लुक गाइज। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ज्वेलरी के लिंक्स कोड सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है गाइज, और अगर आपको साड़ी परचेस करनी है सेम ब्लैक साड़ी तो आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोर को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।